हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक सैमसंग का मोबाइल है B310। इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑन भी नहीं हो रहा है और प्लस चार्ज भी नहीं ले रहा है। मोबाइल फुल डेड है। चलिए देखते हैं, काम की ओर चलते हैं। अब देखिए, मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा है। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को, फुल वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, बैटरी को भी क्लीन कर रहे हैं, साफ कर लिए, फिर ऑन करके देखते हैं, नहीं ऑन हो रहा। जो भी होगा फुल आपके सामने ही होगा। देखते रहिए मेरे वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए दोस्तों को बेल आइकन दबा को ऑल में सेट कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए। देखिए, चार्ज भी नहीं लिया। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। ओपन कर लिए हैं, बोर्ड को बाहर निकालते हैं। अब मेरा वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर चार्ज नहीं ले रहा है तो ऑन तो होना चाहिए। बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी चार्ज है, चार्ज नहीं लेता है तो ऑन तो होना चाहिए। ये दोनों प्रॉब्लम है, चार्ज भी नहीं ले रहा है और ऑन भी नहीं हो रहा है। आप लोग देखते रहिए, सेटअप बाय सेटअप हम काम करते हैं। देखिए, चार्ज नहीं ले रहा है। देख, वोल्टेज कुछ भी शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए, सबसे पहले इसका चार्जर पिन लगाते हैं, चार्जिंग जैक को चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, चार्ज लेता है या नहीं लेता है और मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपके सामने देखेंगे, आप भी देखेंगे, आप देखते रहिए। चलिए, चार्जर पिन लगा लिए हैं, इसको आप थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे। चलिए, सोल्डिंग कर रहे हैं हम। आप देखिए मेरा वीडियो का फुल देखिए, पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा क्योंकि मोबाइल चार्ज भी नहीं ले रहा था, ऑन भी नहीं हो रहा था, जबकि बैटरी फुल चार्ज है। चार्ज नहीं ले रहा था, चलो भाई इसको पहले चार्जिंग जैक को चेंज कर लेते हैं। देखिए, चार्जिंग जैक चेंज कर दिए हैं, इस पर सोल्डिंग कर रहे हैं, आपके सामने लाइव देखिए आप लोग। चलिए, सोल्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, ऑन होता है कि नहीं होता है, वो चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है, आप लोग सामने देखिए। जो भी काम कर रहे हैं आपके सामने काम कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। मेरा वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, ऐसे कट कर दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कैसे बना नहीं बना। आप तो समझ जाइएगा कि फेक वीडियो है, फेक नहीं है। फेक कभी हम सोचते हैं ना, कभी बनाते हैं, फेक बनाने से क्या फ़ायदा है, वैसे वीडियो डालना ना डालना फालतू का है। चलिए, चार्जिंग पिन लगा लिए, इसको अब ऑन करके देखेंगे, चार्ज लगा के देखेंगे। देखिए, पिन चेंज कर दिए हैं, देखिए पुराना जैक है, चेंज कर दिए हैं, पुराना जैक है ये, चेंज कर दिए हैं, न्यू जैक लगाए हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो, फुल वीडियो देखिए। चलिए, चार्ज लगा के देखते हैं वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, आप लोग खुद देखिए।
सामने देखिए, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं और आराम से बोलते हैं। देखिए वोल्टेज फुल निकाल रहा है, यानी चार्ज ले रहा है, चार्ज ले रहा है। पिन न्यू लगाएं, आपके सामने लगाएं, जैक लगा दिए तो चार्ज बताने लगा, पहले नहीं बता रहा था, इसीलिए सोचे पहले चार्जर पिन को चेंज करें उसके बाद देखते हैं। तो चार्जर पिन चेंज कर दिए तो वोल्टेज आउटपुट तो निकाल रहा है, यानी चार्ज तो ले रहा है, पर देखते हैं मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। आपके सामने जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, देखिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो इस तरह का हम लेते आते हैं। देखिए बैटरी को चेक कर रहे हैं, आपके सामने कितना वोल्ट है, 3.3 है, यानी 3.39 है। दूसरी बैटरी चेक कर रहे हैं, देखिए 3.9, ये ठीक है, यानी फुल चार्ज है। मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.7 ही चाहिए, लेकिन 3.9 है तो बहुत है। चलिए देखिए ऑन कर रहे हैं मोबाइल, नहीं हो रहा है, देखिए चार्जिंग जैक तो लगा दिए, चार्ज तो शो कर रहा है, वोल्टेज निकाल रहा है, लेकिन चार्ज नहीं ले रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है। चलिए बैटरी को साफ कर लिए, क्लीन कर लिए, बैटरी जैक को भी क्लीन कर लिए। चलिए फिर से लगा के देखते हैं, देखिए ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल आराम से बनाते हैं, वो धीरे धीरे बनाते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी बोल के आप लोग नहीं समझ पाएगा, जल्दी जल्दी बोल के अपना काम करके निकल गए, आप लोग को पता नहीं चला आप क्या किए नहीं किए, वो वीडियो देखना देखना फालतू होता है। और जो हम बता रहे हैं आप लोग समझिएगा, ज़रूर समझ पाइएगा, क्योंकि मेरा बताने का तरीका बहुत धीमी है और धीरे है। एक बात को हम दो बार बोलते हैं, तीन बार बोलते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। देखिए ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग जैक लगाने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज तो ले रहा है, वहाँ वोल्टेज निकाल रहा है, आउटपुट तो दे रहा है, पर मोबाइल ऑन नहीं है। चलिए सेटअप बाय सेटअप आगे की ओर चलते हैं, चेक करते हैं बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, यानी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होगा कहीं ना कहीं, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ शॉर्ट नहीं बता रहा है, कैपेसिटर भी यहाँ सही है। चलिए डायोड भी देख लेते हैं, चार्जर पिन के सामने वाला, जैक के सामने वाला, वो शॉर्ट है क्या, वो भी सही है, ये डायोड भी सही है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, कैपेसिटर नेटवर्क वाला वहाँ सही है। चलिए वहाँ से लाइन जा रहा है कि नहीं, वहाँ भी सही है, चलिए शॉर्ट नहीं है। बड़े बड़े कैपेसिटर को पहले चेक कर लेते हैं। चलिए देखते रहिए आप लोग मेरा वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए एक छोटा सा डाइवर्ट यहाँ है, इसको भी देख लेते हैं, ये शॉर्ट है क्या, ये भी ठीक है। यहाँ कैपेसिटर है, इसको भी देख लेते हैं, आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं तो ज़रूर शॉर्ट होगा, सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं जरूर शॉर्ट होगा, इसके कारण से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। देखिए चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, अगर फुल शॉर्ट नहीं होगा तो फिर सॉफ्टवेयर डालेंगे, सॉफ्टवेयर डाल के देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले देखिए तो मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। लगता है यहीं देखिए, यहीं शॉर्ट है, देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, छोटा सा कैपेसिटर है, ये शॉर्ट बता रहा है, ये सेकेंडरी लाइन में है। देखिए निकाल देते हैं इसको, तोड़ के निकाल दिए, तो आयरन से क्लीन कर देंगे, फिर देखते हैं मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। आप लोग देखिए मेरा वीडियो को, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं आपके सामने काम कर रहे हैं, अलग से कोई भी वीडियो हम बना के अलग से नहीं डालते हैं, जो भी काम करेंगे सामने करते हैं, सामने रहता है, आपके सामने ही बताते हैं। आप लोग देखिए,
देखते हैं आप कैपेसिटर को, शॉर्ट था उसको निकाल दिए क्योंकि यही कैपेसिटर था। आप लोग देखिए ये कैपेसिटर, छोटा सा कैपेसिटर था वो शॉर्ट था। चलो देखते हैं ऑन करके ऑन होता है या नहीं होता है, आप लोग देखते रहिए। चलिए ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया। देखिए आपके सामने कैपेसिटर शॉर्ट था, निकाल दिए। चलिए वो फिट करते हैं। तो सेटअप बाय सेटअप काम कीजिए, आपका काम सही हो जाएगा। कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहिए, एक साइड से काम करते जाइए, किनारे से काम करते जाइए, हर काम हो जाएगा। पहले फुल बोर्ड को चेक किए, उसके बाद में अगर सब सही बताता तो उसके बाद में फिर फ्लैश करते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, उसके बाद में करते हैं। सेटअप बाय सेटअप काम कीजिए, हर काम हो जाएगा। देखिए लेने लगा चार्ज। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और नए दोस्तों को बोलते हैं बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो, नई नई वीडियो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए पूरा वीडियो देखिए आप लोग, जो भी काम किए आपके सामने काम किए, अलग से कुछ भी नहीं है। देखिए ऑन हो गया, ऑन में भी चार्ज ले रहा है। जय हिंद, जय भारत।